अगर आप भी रोहित शर्मा को एक शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, T20 विश्व कप के बाद भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए मुकाबलों में खतरनाक तरीके से प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल करके एक शानदार शुरुआत की है। इसके बाद अब आने वाले वर्षों के सभी बड़े मुकाबलों के लिए तैयारी करती हुई आगे बढ़ रही है और उस तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के दौरे पर जाना है, जिसके लिए BCCI ने टेस्ट खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है और साथ ही ODI टीम के बदलाव के बारे में जानकारी दी और वो बदलाव कप्तान के तौर पर देखा गया, जिसमें विराट कोहली को कप्तान के पद से हटाकर रोहित शर्मा को कप्तान बना दिया। और BCCI के इस फैसले को सुनने के बाद विराट कोहली के सबसे अजीज दोस्त AB डिविलियर्स काफी ज्यादा भड़के नजर आए और उन्होंने गुस्से में रोहित शर्मा को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं क्या कहा AB डिविलियर्स ने। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में से कौन बेहतरीन कप्तान है? हमें अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, न्यूजीलैंड और भारत के बीच हुए टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सीरीज में जीत हासिल की। उससे पहले रोहित शर्मा की कप्तानी में T20 सीरीज में भी भारतीय टीम ने 3-0 से न्यूजीलैंड को क्लीन स्वीप किया था। तो विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम को T20 विश्व कप में हार का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से भारतीय टीम का दूसरी बार T20 विश्व विजेता बनने का सपना मात्र सपना बनकर ही रह गया था। और यही नहीं, विराट कोहली की नाकामयाबी की वजह से ही भारतीय टीम पहली बार खेली गई ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी हार गई थी। और उनके इस निराशाजनक प्रदर्शन की वजह से ही BCCI ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले जाने वाले ODI मुकाबलों के लिए कप्तान के तौर पर रोहित शर्मा को चुना है, जिसके बाद T20 समेत ODI मुकाबलों में भी विराट कोहली की कप्तानी अब छिन चुकी है। वहीं BCCI के इस फैसले के बाद विराट कोहली के सबसे बेहतरीन दोस्त अजिंक्य रहाणे ने अपना बयान देते हुए कहा है कि BCCI द्वारा लिया गया फैसला वाकई में हैरान करने वाला है, क्योंकि वो एक ऐसे खिलाड़ी को कप्तान बना रहे हैं जो ना कि विराट कोहली से बेहतर खिलाड़ी है और ना ही इस जिम्मेदारी के लायक है, क्योंकि विराट कोहली में रोहित शर्मा से ज्यादा समझ और टैलेंट है। वो हर खिलाड़ी की भावनाओं का सम्मान करते हैं और हर नए खिलाड़ी को आगे बढ़ने का मौका देते हुए जिम्मेदारी उठाते हैं। इसलिए BCCI को विराट कोहली को कप्तानी से नहीं हटाना चाहिए था और उनकी ये गलती भारतीय टीम के लिए बहुत गंभीर साबित होगी, क्योंकि विराट जैसा खिलाड़ी टीम में रोज रोज नहीं मिलता है। इसलिए उन्हें अपनी गलती सुधारते हुए विराट कोहली को दोबारा कप्तान बना देना चाहिए। दोस्तों, BCCI द्वारा लिए गए फैसले से AB डिविलियर्स काफी ज्यादा निराश है, क्योंकि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि BCCI विराट कोहली के साथ ऐसा करेगा। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, क्या रोहित शर्मा उपकप्तान के तौर पर टीम को जीत दिलाने के लिए शानदार प्रदर्शन करने में कामयाब रह पाएंगे या नहीं? हमें अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।